Hello guys and a very good afternoon to you all. This is Shifa ma'am, your English educator on Guidely. I welcome you all guys in today's afternoon 12:30 PM session, wherein we are targeting for the upcoming IBPS RRB PO and IBPS RRB clerk exam 2022. I hope guys आप सभी अच्छे हैं और आप लोगों की upcoming exams के लिए पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है, right? तो guys इसी के साथ session को आगे बढ़ाते हैं. But before moving on further, I would request each one of you to please like and share the session. जल्दी से गाइस सभी लोग आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, सब लोग सेशन को एक बार लाइक कर दे, सो दैट वी कैन प्रोसीड ऑन फर्दर, ताकि हम लोग जल्दी से सेशन में आगे बढ़े. गाइस सब लोग जल्दी से एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए. गाइस जितने लोग हैं सेशन में, एवरीवन डू लाइक एंड शेयर. ठीक है, चलिए लेट अस प्रोसीड गाइस, लाइक एंड शेयर. ठीक है, आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल. समझ आ रही है बात? आई होप आई एम ऑडिबल गाइस एंड आई एम विजिबल टू यू ऑल. क्लियर? चलिए तो इसी के साथ सेशन को आगे बढ़ा लेते हैं. सो गाइज आज हम अगेन आप लोगों के लिए टॉप लेवल क्वेश्चंस लेकर आए हैं. ठीक है, बिल्कुल एग्जाम स्टैंडर्ड पे बेस्ड. ठीक है, तो बिल्कुल एग्जाम पैटर्न और एग्जाम स्टैंडर्ड पे बेस्ड. ठीक है, एग्जाम पैटर्न एंड स्टैंडर्ड पे बेस्ड क्वेश्चंस लेकर आए हैं आप लोगों के लिए. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को. लेटेस्ट प्रोसीड विद द सेशन. अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखते हैं. जस्ट अ मिनट, एक मिनट गाइस, एक मिनट, जस्ट अ मिनट. जस्ट अ मिनट गाइज, एक मिनट, स्टे कनेक्टेड गाइज, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, एक मिनट. वन मिनट गाइज, स्टे कनेक्टेड ओवर हियर, जस्ट अ मिनट. Just a minute guys, stay connected over here. Yes, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट guys. हाँ देखो, yes, एक मिनट. आई होप द स्क्रीन इज विजिबल, राइट? सबको स्क्रीन विजिबल है गाइज. चलो तो सेशन को आगे बढ़ाते हैं. नो वरीज गाइज. चलिए तो अब देखो, आज हम पहले आप लोगों को एरर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे. गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून भारती राठौड़, सी आर रॉकी यादव, दीपक सोनी, दीप्ति मोंदल, वेरी गुड आफ्टरनून. सबको बहुत गुड आफ्टरनून गाइज. आई होप सब अच्छे हैं और सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, राइट? चलो तो इसी के साथ सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं. सभी लोग गाइस सेशन में जल्दी से जुड़ जाइए, सभी लोग सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए. बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है. जितने अपकमिंग, जितने भी बच्चे अपकमिंग एग्जाम आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस को टारगेट कर रहे हो आप लोग, तो उसके लिए हमने ये सीरीज लाई हुई है. बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपको करवाऊंगी, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न और लेवल पे बेस्ड क्वेश्चन हम डेली आपको लेकर आ रहे हैं. ठीक है, तो पहले गाइस यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे एरर स्पॉटिंग के कुछ क्वेश्चन. देखो क्या कह रहा है, कह रहा है मार्किंग द फिफ्थ क्वेश्चन. देखो पहले क्या कह रहा है यहाँ पे, लेट अस लुक एट द क्वेश्चन. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये आपका एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन है. ठीक है, कह रहा है मार्किंग द फिफ्थ कॉन्सिक्यूटिव मंथ ऑफ सॉफ्टनिंग रिटेल इन्फ्लेशन मेजर्ड बाय सीपीआई टर्न्ड
down more sharper than expected in December and resurged its lowest reading since November 2014. Last में कह रहा है no error, that is E part. तो guys, let me know what's the correct sense over here. जल्दी से बताइए क्या करेक्ट आंसर हो सकता है इसका. क्विक आंसर एवरी वन. तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, मार्किंग द फिफ्थ कॉन्सिक्यूटिव मंथ ऑफ सॉफ्टनिंग रिटेल. ठीक है, देखो एक चीज हमने आपको बताई है क्वेश्चन में क्या समझ आ रहा है. हम जब भी बात करते मोर शार्पर, ये गलत सेंस है ना. हमने आपको बताया था वी नेवर यूज डबल कॉम्पेरेटिव एंड डबल सुपरलेटिव. क्लियर है, तो वी नेवर यूज डबल कॉम्पेरेटिव एंड डबल सुपरलेटिव एट अ टर्म. ठीक है, तो डबल कॉम्पेरेटिव और डबल सुपरलेटिव का एक जगह पे हम इस्तेमाल नहीं करते हैं. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर गलत है, मोर शार्पर गलत है, सिर्फ शार्पर होना चाहिए. ठीक है, तो कह रहा है मार्किंग द फिफ्थ कॉन्सिक्यूटिव मंथ ऑफ सॉफ्टनिंग रिटेल इन्फ्लेशन मेजर्ड बाय द सीपीआई टर्न्ड डाउन शार्पर देन एक्सपेक्टेड. मोर शार्पर गलत है क्योंकि शार्पर जो है वो कॉम्पेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है और आपको पता है कि कॉम्पेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ देन लगता है. तो मोर शार्पर गलत है क्योंकि मोर भी कॉम्पेरेटिव डिग्री है, शार्पर भी कॉम्पेरेटिव डिग्री है और एक साथ हम दो कॉम्पेरेटिव या दो सुपरलेटिव का यूज नहीं करते हैं. तो फिर एरर किस पार्ट में, सी पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है. सो सी इज द बेस्ट आंसर. इट शुड बी डाउन, सीपीआई टर्न्ड डाउन शार्पर देन एक्सपेक्टेड इन डिसम्बर एंड रिसर्च इट्स लोवेस्ट रीडिंग सिंस नवंबर 2014. सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. समझ आई बात. अगला क्वेश्चन देखें. चलो किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है इट हैज बिकम द नॉर्म फॉर रिच एंड पावरफुल टू गेट बेल विद ईज वाइल द कॉमनर एंड द पुअर लैंग्वेज इन जेल द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया सेड इन इट्स लेटेस्ट रिपोर्ट. इसमें क्या एरर है, सब लोग जल्दी से बताइए गाइस. व्हाट्स द एरर ओवर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्विक आंसर एवरीवन. It has become the norm for rich and powerful to get bail with ease, while the commoner and the poor languish in jail, the Law Commission of India said in the latest report. D part में error. अच्छा, दीप्ति मोंदल कह रही है D part में error है. Preparation with RB कह रहे हैं C में error है. अच्छा, तो बाकी बच्चे बताइए भाई क्या error है, किस part में error लग रही है आप लोगों को. देखो यहाँ पे ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की टोन आप लोग समझा करो. देखो आप लोग क्वेश्चन की टोन नहीं समझते हो इसलिए दिक्कत आती है आप लोगों को. मैं आप लोगों से यही बोलूंगी क्वेश्चन की टोन समझो. क्वेश्चन जब अच्छे से समझोगे तो कहीं पे एरर स्पॉटिंग या कोई भी क्वेश्चन दे दे आप कर पाओगे उसको. देखो क्या कह रहा है, वॉइस, आई होप अभी वॉइस प्रॉपर है. हेलो हेलो भारती राठौर, आई होप अभी मेरी वॉइस आप लोगों को क्लियर है, अभी मेरी वॉइस सबको प्रॉपर है. हेलो हेलो हेलो, आई होप अभी मेरी वॉइस गाइस आप लोगों को प्रॉपर है. अभी किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना. चलो आई होप अभी मेरी वॉइस प्रॉपर है, राइट. चलिए तो गाइस यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से समझो. क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, देखिए तो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इट हैज बिकम द नॉर्म फॉर रिच एंड पावरफुल टू गेट बेल विद ईज. इट हैज बिकम, बिकेम, बिकम, बिकम. ठीक है, तो बिकम वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हैज के साथ यूज हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है. ठीक है, तो इट हैज बिकम ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है. द नॉर्म, तो द के साथ नॉर्म लगा है. नॉर्म क्या है, आपका नाउन टर्म है, द आर्टिकल है. फॉर रिच, रिच के लिए, तो रिच भी यहाँ पे नाउन है जो कि फॉर प्रपोजिशन के साथ लगा है. एंड पावरफुल, पावरफुल भी नाउन है. ठीक है, तो ये तो करेक्ट टर्म है. टू गेट बेल, तो टू गेट जो है टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, इन्फिनिटिव है. टू गेट बेल, टू गेट वॉट बेल, बेल भी नाउन है. विद, विद प्रपोजिशन है, नाउन प्लस प्रपोजिशन का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे. ईज, बहुत ही आसानी से बेल मिल जाती है. किसके दौरान, वाइल द कॉमनर, जो कॉमनर होते हैं उसी दौरान. और जो पुअर होते हैं जो कि जेल में क्या करते हैं, सजा काटते हैं. लैंग्वेज का मतलब जेल में जो सजा काटते हैं. द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का जो लॉ कमीशन है उसने अपनी हाल ही की रिपोर्ट में,
ये बात बताइए, तो रिपोर्ट नाउन है, लेटेस्ट क्या है? लेटेस्ट आपका एडजेक्टिव है, और इट्स जो यहाँ पे है, इट्स ये आपका प्रोनाउन है। समझ आ गई बात? क्लियर है? तो देखो पूरा स्टेटमेंट ग्रामेटिकली बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रक्चर है, कोई एरर नहीं है, तो फिर आंसर क्या हुआ भाई? आंसर आपका नो एरर है। समझ आ रही है बात? बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। एंड द पुअर लैंग्वेज इन, इन का मतलब मे के सेंस में बात हो रही है, करेक्ट है। इन द जेल, जेल में क्या करते हैं? सजा काटते हैं, तो मे के सेंस में इन लगा है। द लॉ कमीशन ऑफ, भारत का, तो भारत का सेंस आता है का के को, तो ऑफ लगता है, सही है। तो मतलब ये पूरा क्वेश्चन ग्रामेटिकली करेक्ट है, कोई एरर नहीं है। समझ आई बात? अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। चलो इसमें बताओ क्या एरर है, और गलत नहीं होना चाहिए। इस तरह से अगर करोगे तो कभी गलत नहीं होगा, और सिर्फ और सिर्फ रट्टाफिकेशन करोगे, ग्रामर सोचोगे, ग्रामर रूल्स रट के हम कर ले जाएं, तो कभी नहीं कर पाओगे, हमेशा गलत होगा। डज दीज आर कॉमन इन मीन्स? हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली मैम, तो बैड कवि देखता हूँ, एड फ्रॉम होती है, ओ कब यूज होगी? टू बैड कवि देखता हूँ, टू बैड, टू बैड कब होता है भाई? टी डबल ओ टू होता है। बैड क्या है? बैड एडजेक्टिव है। टी डबल ओ टू जो है ये एडवर्ब है, जो कि एक्सटेंट को बताता है। दीप्ति मोंडल, आई होप आपको समझ आ रहा है, टू बैड कब यूज करते हैं? लेटेस्ट नहीं होगा, रीसेंट क्यों होगा भाई? लेटेस्ट सही है, रीसेंट और लेटेस्ट दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है। समझ आ रही है बात? ठीक है, दीज आर कम्स इन मेन्स, हाँ बिल्कुल ये मेन्स में आते हैं। सुब्बू मैरेला, बिल्कुल ये मेंस में आता है, एरर स्पॉटिंग जो है ये मेंस के एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, चलो इसको बताओ भाई क्या एरर है इसमें। द मिनिस्टर इंसिस्टेड ऑन द नीड फॉर इम्प्रूव द रेलवे सेफ्टी सेइंग इंडिया, कि हम इस बात को कहते हुए कि हमारा भारत जो है इसको जरूरत है, किस चीज की जरूरत है भारत को? इंडिया नीड्स टू इन्वेस्ट हैविली इन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, कि हमारे भारत को बहुत ही हैविली क्या करना है, इन्वेस्ट करने की जरूरत है भारत के रेलवे स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में, टू मीट द डिकेड्स ओल्ड बैकलॉग, ताकि हमारा लंबे समय से जो भारत के रेलवे में बैकलॉग चला रहा है उसको हम मीट कर पाए, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो गाइज अब यहाँ पे बताइए क्या करेक्ट सेंस होगा, जल्दी से बताओ सब लोग देखकर, व्हाट शुड बी द करेक्ट सेंस ओवर हियर, क्विक। द मिनिस्टर इंसिस्टेड ऑन द नीड फॉर इम्प्रूव, अब देखो फॉर के साथ क्या इम्प्रूव लगेगा बताओ, फॉर प्रेपोजिशन, हमने आपको बताया था फॉर के साथ हमेशा क्या लगता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब आप आई एन जी लगाते हो, यही होता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फॉर इम्प्लीमेंटिंग, फॉर एग्जीक्यूटिंग, राइट, तो फॉर के साथ हमेशा आई एन जी लगता है, तो ये इसकी जगह क्या होगा आपका, आईएनजी फॉर्म आएगा ना। ठीक है, तो मिनिस्टर ने इस बात पे जोर दिया, इंसिस्ट का मतलब एम्फेसाइज किया, एम्फेसाइज, ठीक है, तो एम्फेसाइज का मतलब जोर दिया, तो हमारे मिनिस्टर ने इस बात पे जोर दिया, किस बात पे, ऑन द नीड फॉर इम्प्रूविंग, ठीक है, कि हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो फॉर के साथ वर्ब आईएनजी फॉर्म का आएगा, तो फॉर इम्प्रूविंग हो जाएगा। तो द मिनिस्टर इंसिस्टेड ऑन द नीड फॉर इम्प्रूविंग द रेलवे सेफ्टी, रेलवे की सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए मिनिस्टर ने इस बात पे जोर दिया। तो एरर किस पार्ट में है, एरर इज इन ए पार्ट, तो ए इज द करेक्ट आंसर। समझ आई बात? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फॉर के साथ आईएनजी वर्ब फॉलो करता है, फॉर इंस्पेक्टिंग, फॉर अप्लाइंग, फॉर सर्कुलेटिंग, ठीक है, इस तरह से हम यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वर्धनी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वेरी नियरली लॉस्ट द मैच एंड फेल्ड टू क्वालिफाई हरसेल्फ फॉर द मेन ड्रॉ ऑफ द LIC साउथ जोन नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट एट द इंडोर स्टेडियम, आगे कह रहा है नो एरर, बताइए क्या एरर है गाइज। वर्धनी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वेरी नियरली लॉस्ट द मैच and failed to qualify herself for the main draw of the LIC South Zone National Ranking Table Tennis Tournament at the indoor stadium. This is the question. चलो बताओ क्या error है भाई इसमें? अब देखो यहाँ पे एक logic है, इस question में एक logic है, क्या वो लॉजिक पढ़कर समझ आ रहा है, क्या लॉजिक है? देखो क्या कह रहा है, वर्धनी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वेरी नियरली लॉस द मैच, मतलब मैच को बहुत नियरली उसने लूज किया, मतलब जीत के बहुत करीब थी, इस चीज की बात कर रहा है।
तो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे कह रहा है ए पार्ट में आपको बोल रहा है नियरली लॉस द मैच, ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि वर्धिनी ने मैच को जीता, वन द मैच, राइट। तो वर्धिनी वन द मैच, इस चीज का कॉन्सेप्ट आ रहा है यहाँ से ना, ठीक है। तो वन द मैच, तो वन द मैच के कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है, कह रहा है वर्धिनी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वेरी नियरली लॉस द मैच, बहुत नियर, बहुत करीब से उसने मैच को लूज किया, मतलब उसने मैच जीता, यही कॉन्सेप्ट तो आ रहा है। एंड फेल्ड, एंड नहीं होगा भाई, बट होगा, लेकिन फेल हो गई क्वालिफाई करने के लिए, बहुत करीब से उसने हार को, हार का सामना किया, राइट, ये कह रही है। तो बहुत करीब से हार का सामना किया मतलब वो जीती है, बाल बाल बची वरना हार जाती, यही तो मतलब है, समझ आ रहा है मतलब। तो बाल बाल बची वरना वो हार जाती, अगर एक लेवल और आगे होता तो वो हार जाती मैच, लेकिन बाल बाल बची और मैच जीत गई वर्धिनी। बट लेकिन फेल टू क्वालिफाई हरसेल्फ, लेकिन वो क्वालिफाई करने में असमर्थ हुई, फेल हो गई। तो अब यहाँ पे देखो बात हम पॉजिटिव कर रहे हैं, यहाँ पे बात नेगेटिव टोन में है, और आप लोगों को पता है कि जब हम बात पॉजिटिव और नेगेटिव टोन में करते हैं तो बीच में कोरिलेटिंग कंजंक्शन कौन सा लगता है, बट लगता है। तो एंड का कॉन्सेप्ट गलत है, बट आएगा, बट फेल टू क्वालिफाई हरसेल्फ फॉर द मेन ड्रॉ, लेकिन मेन जो कॉम्पिटिशन था उसमें क्वालिफाई करने में वो हार गई, तो बट होगा, ठीक। तो एरर बी पार्ट में है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। लॉजिक समझ आया क्वेश्चन का, कोई दिक्कत कोई परेशानी, देखो इस तरह के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, थोड़ा सा पढ़ोगे, दिमाग लगाओगे, कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव तो कर ले जाओगे, ठीक। अगला क्वेश्चन, द क्लाइमेट बॉन्ड इनिशिएटिव, समझ आ रहा है, दिमाग में घुस रहा है सबको, आई होप सबको क्लियर हो रहा है, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आ रहा है ना। मीनिंग कॉम्प्लिकेटेड था मैम, क्या भाई क्या कॉम्प्लिकेटेड है, इजी सा तो है, बाल बाल बचे, आप बोलते हो ना हार जाते, हारने से बाल बाल बचे, तो हारने से बाल बाल बचे मतलब जीते ना, मतलब बिल्कुल लास्ट लेवल पे आके जीते, अगर एक लेवल और आगे आते तो हार जाते मैच, ये कह रहा है। तो जीते मतलब लास्ट लेवल से जीते हैं, तो पॉजिटिव टोन है, और आगे मैच का फाइनल मेन ड्रॉ करने में हार गए, तो मतलब नेगेटिव बात है। तो पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ने के लिए क्या लगता है, एंड लगता है, नहीं ना बट लगता है, तो बट लगाओ ना एंड की जगह पे, यही तो एरर है, समझ आई बात। चलो इतना सा कॉन्सेप्ट है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द क्लाइमेट बॉन्ड इनिशिएटिव इन इट्स इंडिया अपडेट इंडिकेटेड दैट अबाउट 62% ऑफ द ग्रीन बॉन्ड प्रोसीड्स हैज बीन एलोकेटेड टू रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, लास्ट में कह रहा है नो एरर, बताओ। क्लाइमेट बॉन्ड इनिशिएटिव इन इट्स इंडिया अपडेट, अब भाई देखो अपडेट नाउन है यहाँ पे, और अपडेट का क्वालिफायर क्या आएगा ये जल्दी से पढ़ के बताओ, मैंने एक हिंट दे दिया तुम लोगों को, अब बताओ चलो क्या आएगा यहाँ पे, जल्दी से बताओ मुझे। नाउन के साथ हमेशा देखो क्या लगता है, एडजेक्टिव फॉर्म लगता है, ठीक है। The Climate Bond Initiative and its India update, भारत के अपडेट में, तो देखो भारत के अपडेट में ये तो करेक्ट सेंस है, in its, its आपका प्रोनाउन है, in preposition है, बिल्कुल सही सेंस दे रहा है। तो क्लाइमेट बॉन्ड इनिशिएटिव जो है उसके अपने इंडिया के अपडेट में इस बात को दर्शाया था, इंडिकेट किया था, पास्ट टेंस है तो इंडिकेटेड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो ये तो करेक्ट सेंस दे रहा है, इस बात को दर्शाया था क्या, दैट About 62% की about 62% जो green bond है वो proceed करता है, proceed जो है वो allocate किया गया। अब देखो proceed जो है ये plural term है, right? तो green bond proceeds, proceed होता तो singular होता, proceeds जो है ये plural term है, और proceeds जब plural term है तो इसके साथ verb क्या लगेगा, plural लगेगा, तो has नहीं होगा, क्या लगेगा, have लगेगा, समझ आ रही बात। तो correct sense क्या, bond initiative in its India update indicated that about 62% of the green bond proceeds have been allocated, right? तो यहाँ पे have के साथ been लगेगा और have been के साथ verb का third form allocated लगेगा, clear है? Allocated verb का third form have been के साथ लगेगा क्योंकि proceeds जो है वो plural subject, plural noun है, clear है बात, समझ आ गई। तो error किस part में है? Error is in C part, तो C is the correct answer, ठीक। अगला question देखें, चलो अगला question देखो क्या कह रहा है भाई, On July 4, North Korea tested Hwasong-14 described as an intercontinental ballistic missile capable in reaching the US mainland. Last में कह रहा है no error. इसमें क्या error है जल्दी से बताओ भाई. हाँ, very nice. Concept बहुत अच्छा है guys, आप लोगों का बहुत अच्छा है.
बफरिंग हो रही है, आई होप अभी क्लियर है, अभी क्लियर है ना सबको, अभी तो बफरिंग नहीं हो रही है। एज का यूज कब करते हैं? एज का यूज देखो हम दो सेंस में करते हैं, एक तो एज लगाते हैं जब हम बात कंपेयर करते हैं, शी इज एज गुड एज, शी इज एज बैड एज, या तो इस सेंस में एज लगाते हैं, या फिर एज हम कंपेयर करने के सेंस में लगाते हैं, जैसे कि राइट, सच एज, सच के साथ एज लगता है, ठीक है, तो वो कब लगाते हैं? जैसे कि के सेंस में जब हम बात करते हैं तो वहां पे सच एज लगाते हैं, तो ये इस तरह से हम एज का यूज करते हैं। हाँ, कैपेबल ऑफ इज करेक्ट, बिल्कुल सही है। चलो इसमें बताओ भाई क्या एरर है जल्दी से। दीप्ति मोंदल कह रहे नहीं, क्या नहीं भाई, क्या नहीं समझ आ रहा है, क्या नहीं बोलो। ऑन जुलाई 4 नॉर्थ कोरिया टेस्टेड, 4 जुलाई को नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट किया है वैसोंग 14, जिसको कि डिस्क्राइब किया गया है एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो कि कैपेबल है यूएस मेनलैंड को रीच करने में, ऐसा कह रहा है। अब बताओ यहाँ पे क्या एरर है भाई। अब देखो जब भी हम बात करते हैं कि कैपेसिटी की, ठीक है, तो गाइस जब भी हम बात करते हैं कैपेबल के सेंस में कैपेसिटी की, ठीक है, तो जब भी हम बात कैपेसिटी के सेंस में करते हैं कैपेबल कैपेबल की, तो कैपेबल की बात हम जब भी कैपेसिटी के सेंस में करते हैं तो वहां पे कैपेबल इन नहीं लगाते हैं, वहां पे हम क्या लगाते हैं? कैपेबल के साथ ऑफ प्रपोजिशन लगाते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑन जुलाई 4, 4 जुलाई को नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट किया था वैसोंग 14, जिसको कि डिस्क्राइब किया जा रहा है एज एन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो कि कैपेबल है। किस चीज में कैपेबल है? कैपेबल ऑफ रीचिंग, ना, क्योंकि आपको पता है ऑफ प्रेपोजिशन के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म फॉलो करता है, और यहाँ पे रीचिंग देखो वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, तो वर्ब के फोर्थ फॉर्म से पहले इन नहीं आएगा, कैपेबल इन रीचिंग नहीं होगा, कैपेबल के साथ ऑफ प्रेपोजिशन लगेगा, तो कैपेबल ऑफ रीचिंग द यूएस मेनलैंड, क्योंकि हम यहाँ पे कैपेसिटी की बात करें कि जो ये मिसाइल है उसकी ये कैपेसिटी है, उसका ये कैलिबर है कि वो यूएस के, यूनाइटेड स्टेट्स के मेनलैंड में रीच कर सकती है, तो उसके कैलिबर कैपेसिटी की जब हम बात करते हैं तो वहां पे कैपेबल के साथ ऑफ प्रपोजिशन लगाते हैं, तो फिर एरर सी पार्ट में है, सो सी इज द बेस्ट आंसर। समझ आई बात गाइज? क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए, लेट अस मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, पिनिंग हाई होप्स ऑन ईदर ऑफ देम विल ओनली लीड टू डिसअपॉइंटमेंट्स इन द फ्यूचर। लास्ट में कह रहा है नो एरर, बताओ इसमें क्या एरर है सब लोग। पिनिंग हाई होप्स ऑन ईदर दैट इज द क्वेश्चन ओवर हियर। कैपेसिटी के सेंस में मॉडल वर्ब कैन बी यूज होता है ना, कैन बी यूज होता है, बिल्कुल क्लियर है। हाँ, कैपेबल ऑफ लगेगा, बिल्कुल विनोद कुमार वासु गोयल, वेरी नाइस, अच्छा आंसर है। हर वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी में नहीं होगा, हाँ जरूरी नहीं है हर वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो, बहुत सारे ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका आईएनजी फॉर्म नहीं होता है, जैसे कि सी, ठीक है, सी का सींग नहीं लिखते हैं, क्लियर है, तो बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जिनका आईएनजी फॉर्म हम नहीं लिखते हैं। तो पिनिंग हाई होप्स ऑन ईदर ऑफ देम, तो हाई होप्स की बात करा, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखो, पिनिंग हाई होप्स मतलब बहुत ज्यादा आशाएं लगाना, पिनिंग का मतलब बहुत ज्यादा आशाएं मन में रखना किसी बात को लेकर, ऑन ईदर ऑफ देम उनमें से किसी एक पे बहुत ज्यादा आशाएं थोपना, विल ओनली लीड, इससे क्या होगा, विल ओनली लीड टू डिसअपॉइंटमेंट्स इन द फ्यूचर, इससे हमारे आने वाले फ्यूचर में हमेशा हमें निराशा ही मिलेगी और कुछ नहीं हासिल होगा। तो कह रहा है पिनिंग हाई होप्स ऑन ईदर ऑफ देम, अगर हम उनमें से किसी पे भी बहुत ज्यादा होप्स जो है वो रखेंगे तो उससे क्या होगा, विल ओनली लीड टू डिसअपॉइंटमेंट्स इन द फ्यूचर, उससे आने वाले फ्यूचर में हमेशा हमें निराशा ही मिलेगी और कुछ मिलना नहीं है, तो फिर ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, तो फिर आंसर क्या हो गया, नो एरर इज द करेक्ट आंसर। समझ आ रही बात, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ग्रामेटिकली परफेक्ट है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ सेंटेंस और अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज हाइलाइटेड, आपके एक सेंटेंस में सेंटेंस का एक पार्ट हाइलाइटेड दिया है। अब आगे कह रहा है, फोर ऑल्टरनेटिव्स मार्क्ड एज ए बी सी एंड डी आर गिवन, आपको चार ऑल्टरनेटिव्स ए बी सी डी मार्क करके दिया हुआ है एज अ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन फॉर्म में आपको अलग अलग स्टेटमेंट मार्क करके ए बी सी डी के फॉर्म में दिए हैं फॉर द हाइलाइटेड पार्ट, हाइलाइटेड पार्ट के लिए, वन ऑफ विच विल इम्प्रूव द सेंटेंस, जिनमें से एक पार्ट जो है वो सेंटेंस को क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा, ठीक है, जिनमें से एक पार्ट क्या करेगा, सेंटेंस को इम्प्रूव करेगा।
अब आपको करना क्या है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव. आपको करेक्ट ऑल्टरनेटिव क्या करना है, चूज करना है इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड. अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है तो फिर क्या करना है, चूज द ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड. ठीक है, आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है, ई ऑप्शन चूज करना है, दैट इज नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड. तो गाइज लेट अस लुक एट द क्वेश्चन. अब देखो ये क्वेश्चन आपके जो है, ये क्वेश्चन है आपके फ्रेज रिप्लेसमेंट के. ठीक है, दीज आर द क्वेश्चन ऑफ फ्रेज रिप्लेसमेंट. ठीक है, तो गाइज दीज आर द क्वेश्चन ऑफ फ्रेज रिप्लेसमेंट. लेट अस लुक एट द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एनिमल म्यूज एज अ हॉकिश, द एनिमल म्यूज एज अ हॉकिश टस्कर ओवर द कैपिटल एलिफेंट्स ऑफ केरल रिमेन्स चेंज टू अ कोकोनट ट्री हार्डली 100 मीटर्स अवे फ्रॉम द स्वैम्प. समझ आ रही बात. तो अब देखो यहाँ पे किस सेंस में बात कर रहा है, ये देखो ये आपकी फ्रेज है म्यूज एज अ हॉकिश टस्कर ओवर. ठीक है, अब इसकी जगह पे क्या आएगा, स्पेक्यूलेटेड एज कॉम्बैटिव टस्कर ऑफ, ruminated as attacking tusker between, recognized as an intrusive tusker of, conceded an aggressive tusker among. बताओ. तो guys अब यहाँ पे बताइए क्या sense बिल्कुल perfect बैठेगा. Let me know the correct sense over here. The animal muse as a hawkish tusker over the captive elephants of Kerala. देखो कंसीडर के सेंस में हम यहाँ पे परफेक्ट बात करें, स्पेक्यूलेट का मतलब अनुमान लगाना होता है, अनुमान लगाने की कोई बात नहीं है, गलत सेंस है. रूमिनेट का कोई गलत सेंस ही नहीं, रिकॉग्नाइज का मतलब पहचानना होता है. कंसीडर इज मेकिंग द परफेक्ट सेंस, द एनिमल कंसीडर्ड एन एग्रेसिव टस्कर अमंग द कैप्टिव एलिफेंट्स ऑफ केरल. ये बिल्कुल करेक्ट सेंस आ रहा है. म्यूज एज अ हॉकिश टस्कर ओवर गलत सेंस दे रहा है. जो एनिमल है, तो जो जानवर है उसको हम कंसीडर कर रहे हैं, कैसे कंसीडर कर रहे हैं, एज एन एग्रेसिव टस्कर, कि हमारे जो जानवर है वो एक बहुत ही गुस्से वाले एग्रेसिव टस्कर है. किसके अमंग, अमंग मतलब कई सारे जानवर की बात कर रहा है, अमंग द कैप्टिव एलिफेंट्स ऑफ केरल. देखो एलिफेंट्स है, एलिफेंट्स का मतलब मोर, ज्यादा की बात कर रहा है, मोर देन टू, तो मोर देन टू हो सकता है, इसलिए अमंग लगाएंगे. समझ आ रही है बात. तो कॉन्सेप्ट, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट भी देखो अमंग का सेंस आएगा. तो कंसीडर्ड द एनिमल कंसीडर्ड एन एग्रेसिव टस्कर अमंग द कैप्टिव एलिफेंट्स ऑफ केरल. ठीक है, तो कैप्टिव एलिफेंट्स जो है ये प्लूरल सेंस है, इसके लिए यहाँ पे अमंग प्रपोजिशन करेक्ट आएगा. तो हो जाएगा द एनिमल कंसीडर्ड एन एग्रेसिव टस्कर अमंग द कैप्टिव एलिफेंट्स ऑफ केरल रिमेन्स चेन्ड. ठीक है, इनको क्या किया है, बांधे रखा गया है, चेन्ड. ठीक है, रिमेन्स चेन्ड टू अ कोकोनट ट्री, इनको कोकोनट के पेड़ से बांधे रखा हुआ है. Hardly 100 meters away from the swamp, जो कि swamp से करीब 100 meter coconut tree दूर है. ठीक है, तो फिर correct sense क्या हुआ, D हुआ ना, तो D is the perfect answer. Clear है guys, समझ आए बात. अगला question देखो क्या कह रहा है, next question. अगला question कह रहा है, the plan is now to provide training to women mountaineers to achieve aimed to send at most one climber from South India to Mount Everest, he said. बताओ. अब यहां पे क्या आएगा भाई, क्या सेंस करेक्ट होगा. द प्लान इज नाउ टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू विमेन माउंटेनर्स टू अचीव एम्ड टू सेंड एट मोस्ट वन क्लाइंबर फ्रॉम साउथ इंडिया टू माउंट एवरेस्ट, ही सेड. अब देखो यहां पे सेंटेंस का मीनिंग क्या है, सेंटेंस का मीनिंग है कि सेंटेंस में इस चीज की बात की जा रही है कि हमारा एम है, क्या एम है, कि हम एटलीस्ट वन क्लाइंबर को साउथ इंडिया से भेजना चाह रहे हैं माउंटेनियरिंग के लिए. ठीक है, अब यहाँ पे जो हाइलाइटेड फ्रेज दी गई है एम्ड टू सेंड एट मोस्ट, तो ये गलत सेंस दे रहा है, रॉन्ग मीनिंग दे रहा है. अब यहाँ पे देखो ए वाला है और बी वाला है और डी वाला, ये तो पहले ही गलत है, ए बी और डी बिल्कुल ही गलत है. क्यों गलत है भाई ए बी डी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या सेंस दे रहा है, ए में द एम टू सेंड मोस्टली, मोस्टली गलत है, मोस्टली तो हम यूज ही नहीं करेंगे यहाँ पे. एम इन सेंडिंग एट लीस्ट वन, इन सेंडिंग गलत सेंस दे रहा है, इन सेंडिंग एम ऑफ हो सकता है, एम ऑफ सेंडिंग होता तो हो सकता था, एम एट सेंडिंग गलत सेंस दे रहा है, ये भी प्रपोजिशन गलत है, एम के साथ ऑफ लगेगा तब सही होगा, ना कि एम एट, ना कि एम इन. अब यहाँ पे देखो जो सेंस आप होगा एम के साथ ऑफ लगेगा, टू अचीव एम ऑफ. ठीक है, तो एम ऑफ, और आपको पता है कि ऑफ के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म फॉलो करता है, तो ऑफ के साथ सेंडिंग लगेगा, तो एम ऑफ सेंडिंग ऑलमोस्ट, दैट इज मेकिंग द करेक्ट सेंस. ठीक है, सेंडिंग एट लीस्ट, दैट इज द परफेक्ट सेंस. तो इसके अकॉर्डिंग आपका सी परफेक्ट आंसर हुआ.
The plan is now to provide training to women mountaineers to achieve aim of sending at least one climber from South India to Mount Everest, he said. उसने बोला, ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है. आदित्य's friend who were with him at the time of the incident had turned hostile during the trial. बताओ अब इसमें क्या एरर है, जल्दी. Had turned hostile during, क्या इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर है? अगर है तो क्या है, बताइए जल्दी से. क्विक आंसर एवरीवन. रूमिनेटेड का मतलब बताओ भाई, कोई किसी को पता है रूमिनेटेड का क्या मतलब? एक बच्चे दीप्ति ने पूछा है, रूमिनेटेड का मतलब बताइए. रूमिनेटेड का मतलब बताओ भाई, किसी को पता है? पढ़ते हो आप लोग वोकैबुलरी, क्या मतलब है रूमिनेटेड का? हाँ, रूमिनेटेड देखो पार्टिसिपल वर्ब है. इसके अलावा किसी को और कोई सेंस पता है रूमिनेटेड का? बताओ जल्दी से. हाँ, रूमिनेटेड. हाँ, लेट मी नो गाइस. रूमिनेटेड का देखो मतलब होता है किसी चीज में बिल्कुल ध्यान मग्न हो जाना, इनग्रॉस्ड. रूमिनेटेड का सिनोनिम होता है इनग्रॉस्ड, मतलब किसी चीज के बारे में बहुत ही डीपली सोचना, बिल्कुल घुस जाओ. आप कभी कभी होता क्या, किसी चीज के बारे में बहुत ही डीपली सोचने लगते हो. तो जब हम किसी चीज के बारे में बहुत ही डीपली सोचने लगते हैं तो दैट इज कॉल्ड रूमिनेटेड. दीप्ति आई होप समझ आया है. रूमिनेटेड का मतलब होता है थिंक डीपली अबाउट समथिंग, ठीक है, किसी चीज के बारे में बहुत ही डीपली सोचना, दैट इज कॉल्ड रूमिनेटेड, जिसको आप बोलते हो इनग्रॉस्ड. इनग्रॉस्ड का मतलब भी होता है ध्यानमग्न हो जाना, किसी चीज में बिल्कुल घुस जाना, किसी बारे में बहुत डीपली हम सोचने लगते हैं, ध्यान हमारा एकदम उधर ही बह जाता है, दैट इज रूमिनेटेड. क्लियर है ना? चलो तो आप देखो यहाँ पे क्या होगा भाई, आंसर बताओ सब लोग. सबका आंसर ई आ रहा है, रीइन्वेंट या रीडिस्कवर. रीइन्वेंट, हाँ कह सकते हो एक तरह से, पॉन्डर ओवर, बिल्कुल सी आ, पॉन्डर ओवर, बिल्कुल सही है कॉन्सेप्ट आपका. पॉन्डर का मतलब भी होता है थिंक, मतलब बहुत ही गहराई से सोचना. तो बहुत ही गहराई से किसी बारे में सोचते हो, दैट इज कॉल्ड रूमिनेटेड. ठीक, चलो अब बताओ, कह रहा है आदित्यस फ्रेंड हु वर विद हिम. आदित्यस के, आदित्य के जो फ्रेंड थे जो कि उसके साथ थे, किस समय पे? एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट. इंसिडेंट के टाइम पे, उस जब वो हादसा हुआ उस समय पे आदित्य के फ्रेंड उसके साथ थे. और वो फ्रेंड क्या हुए, बहुत ही भयानक टर्न हो गए जब उसका क्या लिया गया, इम्तिहान लिया गया, ट्रायल. ट्रायल का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? व्हाट डज द वर्ड ट्रायल मींस ओवर हियर? ट्रायल का मतलब क्या होता है? ट्रायल का मतलब जब उन पे क्या आए, उनका जब इम्तिहान लिया गया एक तरह से, ठीक है, किसी बात को लेकर. तो बताओ क्या सेंस है यहाँ पे. अब कह रहा है आदित्यस फ्रेंड, देखो पोजीशन है, तो पोजीशन है इसलिए आदित्य में अपोस्ट्रोफी एस का सेंस हमने क्यों लगाया, क्योंकि बात पोजीशन की है. आदित्य के दोस्त, तो के का सेंस के लिए अपोस्ट्रोफी एस लगा है. हु वर विद हिम, जो कि उसके साथ थे. कब थे? एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट, उस हादसे के समय उसके साथ थे. हैड, अब देखो पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल की बात है, इसलिए देखो हैड के साथ यहाँ पे टर्न्ड, टर्न्ड क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमने लगाया हुआ है. आगे कह रहा है हॉस्टाइल ड्यूरिंग द ट्रायल, तो ट्रायल क्या है, आपका नाउन है, और द क्या है, द आपका आर्टिकल है, तो द आर्टिकल के साथ ट्रायल नाउन लगा है. ड्यूरिंग देखो प्रेपोजिशन है. हॉस्टाइल क्या है, हॉस्टाइल आपका एडजेक्टिव टर्म है. पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ आ रहा है, स्ट्रक्चर सेंटेंस का समझ आ रहा है. तो फिर आंसर क्या होगा भाई, आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड. वेरी नाइस गाइज, बहुत अच्छा आंसर है, कीप इट अप. जिन बच्चों ने ई आंसर किया है, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, वेरी नाइस गाइज, बहुत अच्छा आंसर है. देखो बिल्कुल हाँ, कोर्ट ट्रायल भी हो सकता है. न्यूज़पेपर में एम के साथ एट लगाया रहता है, हाँ एम के साथ एट भी लगता है, ठीक है, एम्ड एट. जब हम किसी स्पेसिफिक सेंस में बात करते हैं तो वहां एम के साथ एट लगाते हैं, ठीक है. माई डिसीजंस आर एम्ड एट, एट इम्प्रूविंग समथिंग लाइक दिस, ठीक है, बिल्कुल लगाते हैं. हम नहीं कह रहे लगाते नहीं लगाते, लेकिन एक स्पेसिफिक सेंस में लगाते हैं, ठीक है, तो वो स्पेसिफिक सेंस सीखो. तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, कोई गलती नहीं है, सेंटेंस इज एब्सोल्युटली परफेक्ट. तो आंसर क्या हुआ, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड. समझ आई बात, क्लियर है. अगला क्वेश्चन पे बढ़े. चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है. आते हैं अगले क्वेश्चन पे. अगला क्वेश्चन कह रहा है इट इज अ कन्फर्मेशन, ये एक कन्फर्मेशन है. क्या कन्फर्मेशन है?
इट इज अ कंफर्मेशन ऑफ हाउ फॉर्मिडेबल आर द फोर्सेस, ठीक है, कि हमारी जो फोर्सेस है वो कितनी बड़ी है. फॉर्मिडेबल का मतलब विशालकाय, बड़ी, कितनी बड़ी है. तो ये एक कंफर्मेशन है. इट इज अ कंफर्मेशन ऑफ हाउ फॉर्मिडेबल आर द फोर्सेस, कि हमारी जो फोर्सेस है वो कितनी बड़ी है, ये एक कंफर्मेशन है. एनी वे आइडियल इट मे फेस, ठीक है, एनी वे, किसी तरीके से आइडियल इट मे फेस, ये कुछ फेस कर सकती है टू द आर्म ऑफ द लॉ, ठीक है, हमारा जो कानून है उसकी आर्म की बात करें. दैट इंडिविजुअल एक्टिविज्म इज अप अगेंस्ट, कि हमारी जो एक्टिविज्म है वो क्या है, उसके खिलाफ है. ठीक है, समझ आ रही है क्वेश्चन. तो अब बताओ यहाँ पे क्या ग्रामेटिकल एरर है, जल्दी से क्विक आंसर एवरीवन. अब देखो सेंटेंस क्या कन्वे कर रहा है. सेंटेंस में ये बोला जा रहा है ना, एक सिचुएशन आपको बोली गई है जिसमें जो इवेंट्स कंफर्म कर रहे हैं कि जो फैक्ट इंडिविजुअल एक्टिविज्म का है, इसको क्या फेस करना पड़ रहा है, फॉर्मिडेबल फोर्सेस को फेस करना पड़ रहा है, बावजूद इसके कि जो फोर्सेस हैं ये क्या कर रही हैं, लॉ से हाइड कर रही हैं, एंड ये जो फोर्सेस हैं ये क्या है, ये विजिबल नहीं है. ठीक है, तो अब इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए ये जो हाइलाइटेड फ्रेज है ये गलत सेंस दे रहा है. तो फिर परफेक्ट सेंस क्या होगा, बी का सेंस परफेक्ट है. ऑल्दो का मतलब यद्यपि, बावजूद इसके, अनसीन गलत सेंस दे रहा है. हाउएवर इनविजिबल दे मे बी करेक्ट सेंस है. इवन दो एथरियल इट फेसेस, एथरियल का तो बिल्कुल गलत सेंस है, बिकॉज इट्स स्क्रीन्ड एट दैट माइट, तो ये तो बिल्कुल गलत सेंस है. तो बी इज द परफेक्ट सेंस. ये कंफर्मेशन है कि हमारे जो फोर्सेस है वो कितनी स्ट्रांग है, कितनी बड़ी है, कितनी पावरफुल है. हाउएवर इनविजिबल दे मे बी, ठीक है, और ऐसा हमें प्रतीत होता है. हाउएवर, लेकिन इनविजिबल है हमारी फोर्सेस, फॉर्मिडेबल तो है लेकिन उसके फॉर्मिडेबल होने के साथ साथ इनविजिबल भी है. ठीक है, इनविजिबल दे मे बी, लेकिन हमारी फोर्सेस के लिए, फोर्सेस के लिए यहाँ पे प्रोनाउन दे का यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो दे, हाउएवर इनविजिबल दे मे बी, लेकिन हमारी जो फोर्सेस हैं वो बहुत ही इनविजिबल भी हैं. ठीक है, टू फेस द आर्म ऑफ द लॉ, कि हमारी लॉ जो लॉ है उसको फेस करने में वो क्या है, बहुत ही ज्यादा असमर्थ है. दैट इंडिविजुअल एक्टिविज्म जो है वो उसके खिलाफ है. ठीक, समझ आया क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है. म्यूचुअल रिकॉग्निशन विल हैव टू प्रीसीड reunification and for this the two Koreas wished to begins a dialogue on due course. अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, wished to begin a dialogue on due course. What should come over here guys, quick answer everyone. हाँ देखो, wished to begin, wish करने से क्या होगा, नहीं, wish का गलत सेंस है, need to begin होगा ना, इस चीज को begins तो नहीं होता है. टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब हम टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो यहाँ पे जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है उसमें कभी भी हम एस या ई एस को एड नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रखो. तो टू begins गलत है, टू begin होगा, टू begin यहाँ पे करेक्ट सेंस दे रहा है. had begun नहीं हो सकता, ये तो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज कर दे रहा है. मस्ट began नहीं हो सकता, ought है, ought ought to होता है, ought has begun तो बिल्कुल गलत है, ought के साथ to लगता है, ought to, right? तो ought के साथ to लगता है, ये तो गलत सेंस है. तो A वाला करेक्ट हुआ ना. तो क्या हो जाएगा, म्यूचुअल रिकॉग्निशन विल हैव टू प्रीसीड reunification. म्यूचुअल जो आपकी रिकॉग्निशन है उसे क्या होना है, प्रीसीड करना है reunification, एंड फॉर दिस, और इसके लिए जो दो कोरियाज है, द टू कोरियाज नीड टू बिगिन अ डायलॉग. ठीक है, इसके लिए जो दो कोरियाज हैं उनको क्या करना है, उनको अपने बीच में बातचीत की शुरुआत करनी है. नीड टू बिगिन, तो टू के साथ बिगिन होगा, अ डायलॉग इन ड्यू कोर्स. ड्यू कोर्स मतलब उस समय में उन्हें शुरुआत करनी है, में, तो मे के सेंस में इन प्रपोजिशन आएगा. तो ए इज द करेक्ट आंसर, समझ आई बात. अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है. इट इज अनसर्टेन टू द एनी. अब देखो द के साथ क्या एनी लगेगा, बताओ जल्दी से. द तो नहीं लगेगा यहाँ पे, फिर क्या लगेगा, द है और एनी, क्या ऐसा स्ट्रक्चर होता है, हमेशा आर्टिकल द के बाद या तो कोई एडजेक्टिव आता है जो कि नाउन का क्वालिफायर होता है, यही स्ट्रक्चर होता है ना. तो द के साथ हमेशा सेंटेंस में या तो कोई एडजेक्टिव आता है जो कि सेंटेंस में नाउन का क्वालिफायर होता है, और या फिर क्या लगता है, या फिर कोई आपका द के साथ नाउन लगता है. क्लियर है, तो यहाँ पे तो देखो ये जो द आपका लगा हुआ है तो इस द के साथ क्या लगेगा, बताओ जल्दी से. तो ये जो द आर्टिकल है तो द आर्टिकल के साथ या तो एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव प्लस नाउन का सेंस आएगा, करेक्ट. क्लियर है गाइज, समझ आ रहा है. एक मिनट गाइज, एक मिनट, जस्ट अ मिनट.
एक मिनट गाइज, जस्ट अ मिनट। हाँ तो अब बताओ यहाँ पे क्या लगेगा। इट इज अनसर्टेन टू द एनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल ट्राई टू एलुसिडेट। वॉट एलुसिडेट का मतलब क्लैरिफाई करना। तो यहाँ पे देखो द के साथ या तो एडजेक्टिव प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन आएगा और या तो द के साथ डायरेक्ट नाउन लगेगा। तो फिर यहाँ पे करेक्ट सेंस क्या आएगा? द तो हटा दो, तो द तो आ नहीं सकता, द वाला तो गलत है, मतलब ए बी और सी तो हो नहीं सकता। बचा क्या? डी, दैट लगेगा रिलेटिव प्रोनाउन। तो इट इज ऑब्वियस दैट, ये बात बिल्कुल ही ऑब्वियस है। क्या ऑब्वियस है? ऑब्वियस दैट एनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कि कोई भी डेमोक्रेटिक सरकार जो है वो क्या करेगी, कोशिश करेगी बढ़ाने की। एल्यूसिडेट का मतलब क्लैरिफाई करने की कोशिश करेगी किस चीज़ को, वॉट दे नीड, कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। तो कोई भी गवर्नमेंट जो है हमारी, कोई भी प्रजातंत्र डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो सरकार है वो इस बात को क्लैरिफाई करने की कोशिश करेगी कि उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, आर नीड्स आर, एंड टेलर द एजुकेशन सिस्टम, और हमारे एजुकेशन सिस्टम को और बूस्ट करने की, उसको अच्छा करने की कोशिश करेगी टू फुलफिल व्हाट इज रिक्वायर्ड, कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उस चीज़ को फुलफिल करने की कोशिश करेगी। समझ आ रही है बात? तो फिर परफेक्ट सेंस क्या हुआ? परफेक्ट सेंस हुआ डी वाला। समझ आ रही है? तो ऑब्वियस दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। परमिटिंग प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन वॉज ट्रांसपेरेंट अ कंसेशन टू पावरफुल प्रेशर ग्रुप्स who sought to circumvent the difficult entry barriers to medical education by buying their way. अब यहाँ पे क्या corrections आएगा, जल्दी से बताओ, quick answer everyone, जल्दी से इसको बताइए guys। What should be the perfect sense over here? यहाँ पे देखो transparently जो है ये एक एडवर्ब आना चाहिए ना। कह रहा है परमिटिंग प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन, प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन को परमिट करना, ये क्या है? ये एक ट्रांसपेरेंट, ये एक कंसेशन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो एक एडवर्ब आना चाहिए, हाउ, किस तरह से, हम किस तरह से मेडिकल एजुकेशन सिस्टम को परमिट करें। तो तरह की बात कर रहा है, हाउ, और हमने आपको बताया है जहां भी हाउ का क्वेश्चन आए मतलब वो क्या है, वो है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। तो हाउ का जहां पे भी आंसर आए वो हो जाता है एडवर्ब ऑफ मैनर, और आपको पता है एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या लगता है, एडवर्ब लगता है। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट गलत है, ट्रांसपेरेंटली होगा, ट्रांसपेरेंट तो एडजेक्टिव है, और हमने आपको बताया था कि जब भी एडजेक्टिव में ly सफिक्स जोड़ोगे तो एडजेक्टिव में ly सफिक्स जोड़ने से एडवर्ब बन जाएगा। तो ये वॉज ट्रांसपेरेंटली हो जाएगा ना, परमिटिंग प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन वॉज ट्रांसपेरेंटली ए कंसेशन, ये क्या है, एक कंसेशन है, वॉज ट्रांसपेरेंटली। ठीक है, समझ आ रही बात? रेंटली, रेंटली वॉज ट्रांसपेरेंटली ए कॉन्सेशन, समझ आई? तो फिर करेक्ट सेंस क्या है, वॉज ट्रांसपेरेंटली होगा, वॉज क्लियरली, वर लिमिटेड, तो लिमिटेड का तो करेक्ट सेंस है नहीं। फिर बताओ क्या आएगा भाई यहाँ पे, जल्दी से क्विक आंसर एवरीवन। वॉज क्लियरली हो जाएगा ना, ये क्लियरली, ट्रांसपेरेंटली का मतलब क्या है, क्लियरली, ट्रांसपेरेंटली का मतलब होता है क्लियरली। लिमिटेड का मतलब क्या होता है कोई बता सकता है? ग्लासी, ग्लासी तो हो नहीं सकता है, ग्लासी का तो कोई सेंस ही नहीं है। ठीक है, लिमिटेड का क्या मतलब होता है, जल्दी से बताओ भाई, व्हाट डज द वर्ड लिमिटेड मींस? लिमिटेड का मतलब क्या होता है, लिमिटेड का मतलब होता है कोई लिक्विड जो कि बिल्कुल क्या है, क्लियर है। तो कोई लिक्विड जो कि बिल्कुल क्लियर है, क्लियर लिक्विड, जैसे कि पानी, पानी क्या होता है, बिल्कुल क्लियर होता है, तो क्लियर लिक्विड को हम लिमिटेड बोलते हैं। तो लिक्विड की तो हम बात नहीं कर रहे हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट का क्या सेंस करेक्ट होगा, ग्लासी तो हो नहीं सकता है। ठीक है, ग्लासी तो किसी चीज़ के लुक की बात करते हैं। ठीक है, तो कोई चीज़ देखने में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है तो दैट इज ग्लासी। ठीक है, तो ये क्लियरली विजिबल है, तो वॉज क्लियरली अ कॉन्सेशन, तो ये क्लियरली एक कॉन्सेशन है। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। समझ आई? अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दिस लीड टू यूजर स्ट्रेटजी देयर यूज ऑफ स्पेस एंड क्लस्टरिंग अराउंड द स्ट्रॉन्गेस्ट कवरेज एरिया टू मैक्सिमाइज देयर सिग्नल स्ट्रेंथ व्हेन दे स्टॉप टू हैंग आउट टू यूज वाईफाई।
इसमें बताओ भाई क्या आएगा, जल्दी से क्विक आंसर एवरीवन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन गाइस, आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है। दिस लीड टू, दिस लीड्स टू होता है, दिस लीड टू नहीं होता है, गलत सेंस दे रहा है। लीड्स लीडिंग टू होगा नहीं, दिस। तो जब भी हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस की बात करते हैं तो दिस तो सिंगुलर होता है, तो दिस सिंगुलर के साथ क्या है, सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो दिस हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब लीड तो प्लूरल है, तो लीड्स हो जाएगा ना, लीड्स टू यूजर स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो लीड्स टू यूजर स्ट्रैटेजी देयर यूज नहीं, स्ट्रैटेजाइजिंग देयर यूज होगा ना, तो ए वाला करेक्ट है। लीड्स टू वॉट, तो स्ट्रैटेजाइजिंग जो है ये नाउन है। कैसा नाउन है भाई, जिरंड है। जिरंड का मतलब आईएनजी फॉर्म, हमने आपको बताया था वर्ब का फोर्थ फॉर्म जब सेंटेंस में नाउन का काम करे तो वो जिरंड कहलाता है। तो दिस लीड्स टू यूजर स्ट्रैटेजाइजिंग देयर यूज ऑफ स्पेस एंड क्लस्टरिंग अराउंड द स्ट्रॉन्गेस्ट कवरेज एरिया टू मैक्सिमाइज देयर सिग्नल स्ट्रेंथ व्हेन दे स्टॉप टू हैंग आउट टू यूज वाईफाई। तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, सो द करेक्ट आंसर इज A1। क्लियर है, बात समझ आई, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बोलो सही है ना। यहाँ पे एंड करे सेशन, तो गाइज यहाँ पे आज आपका सेशन एंड होता है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए हैं, पसंद आए तो डेली मेरे साथ जुड़े रहिए। और गाइज आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन ये थी कि आज आप लोगों का बच्चों 8 PM वाला सेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। आई एम सो सॉरी, जो आप लोगों का डेली चेकलिस्ट चैलेंज हो रहा है, कल आई होप आप लोगों की क्लासेस मैं ले पाऊंगी, बिकॉज आई विल बी ट्रैवलिंग टुडे, राइट। टुडे आई विल बी हैविंग फ्लाइट फ्रॉम इलाहाबाद टू बैंगलोर, सो आई विल बी इन एमिड माई ट्रैवल जर्नी। सो डेफिनेटली गाइज टुमारो आई होप आई विल रीच माई डेस्टिनेशन, एंड डेफिनेटली टुमारो विल बी हैविंग द 12:30 सेशन इन बैंगलोर, राइट। तो बाई टुडे इवनिंग, लेट इवनिंग आई विल बी रीचिंग बैंगलोर होम, एंड देयर आई विल बी हैविंग, आई विल बी स्टेइंग बाई माई रिलेटिव्स, राइट। सो टुडे इवनिंग आई विल बी रीचिंग टू बैंगलोर, देयर आई विल बी स्टेइंग विद माई रिलेटिव्स, एंड टुमारो आई विल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम बैंगलोर टू मैसूर। सो गाइज टुमारो देयर विल बी आफ्टरनून सेशन, 12:30 PM सेशन, एंड टुडे इवनिंग गाइज देयर वोंट बी एनी 8 PM सेशन, बिकॉज आई विल बी इन माई ट्रैवलिंग, राइट। सो आई विल बी एमिड माई ट्रैवलिंग टुडे बाई इवनिंग 8 PM, so as I'll be in my flight journey. So guys, thank you everyone for watching the session. Milte hain aap logon se kal wale session mein. Till then, bye, stay safe, take care, be happy. Thank you for joining and watching the session guys. Keep practicing, keep improving everyone, theek hai. To guys, aaj ki evening wali class aap logon ki 8 baje wali nahi ho payegi, isliye nahi ho payegi kyunki aaj main travel mein rahungi, theek hai. To aaj main Allahabad se Bangalore main flight journey mein rahungi, to journey mein rahungi, isliye class nahi ho payegi evening mein. कल हम आपकी आज वाली जो क्लास है इवनिंग 8 PM चेकलिस्ट वाली, वो हम कल वाली क्लास के साथ मर्ज करके और कल हम आपको डबल क्लास देंगे, ठीक है। आज वाली और कल वाली, दोनों वाली हम कल कराएंगे आपको, क्लियर, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।